बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट वन शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 8 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पॉइजन प्रोसेस। इससे पहले हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइजन प्रोसेस और उससे रिलेटेड हम लोगों के पास जो भी एग्जाम्पल है हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है द टर्म पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन आल्सो बी ड्राइव्ड फ्रॉम पॉइजन प्रोसेस। जो हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम लोगों के पास बेसिकली ड्राइव की गई है पॉइजन प्रोसेस से, विच मे बी डिफाइंड एज, जिसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस गवर्नड एट लीस्ट इन पार्ट बाय सम रैंडम मैकेनिज्म। द अकरेंस ऑफ ट्रैफिक डेथ पर मंथ इन अ सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइजन प्रोसेस। जो भी आपके पास किसी भी सिटी में पर मंथ के अंदर जितने भी ट्रैफिक डेथ्स होंगे वो आपके पास पॉइजन प्रोसेस के लगेगा, क्योंकि जो भी आपके पास पॉइजन प्रोसेस में वो चीज़ें आपके पास अगर करती हैं जिसमें आपके पास इंटरवल आ जाए, किसी भी टाइम का स्पेस आ जाए या लेंथ की बात आ जाए, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम मेंशन कर दिया जाए, कोई सेंटीमीटर्स, कोई स्क्वायर और कोई स्पेस उन्होंने डिफाइन कर दिया जाए, कोई भी टाइम इंटरवल बता दिया जाए कि इस टाइम इंटरवल में ये काम किया गया है, तो इस काम इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करते हैं पॉइजन प्रोसेस। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन प्रोसेस आर द प्रॉबिलिटीज डैट एन इवेंट अगर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा, इस साइन को आप लोग कहेंगे डेल्टा, इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल डैट इज डेल्टा लेमडा, और इस साइन को आप लोग कहेंगे लेमडा। आप लोग ये प्रॉबिलिटी तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल होगा, जिसको आप लोग डेल्टा कहेंगे, और वो प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल के, जो कि है डेल्टा लेमडा। द प्रोबेबिलिटी डैट टू और मोर इवेंट्स अकर इन सच अ शॉर्ट इंटरवल इज सो स्मॉल डैट कैन बी निगलेक्टेड। जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स बताए जाएंगे और वो बहुत शॉर्ट इंटरवल्स के अंदर होंगे, तब आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते और आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे पॉइजन प्रोसेस। Events occurring in non-overlapping intervals of time are independent। जो भी आपके पास non-overlapping interval होगा event में, जो भी define किया जाएगा वो आपके पास time का independent होगा। आपके पास poisson process का formula है small p, poisson process है इसलिए small p x है, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इसका parameter जो कि है lambda, और t is equals to e की power minus delta t मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की पार एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पर आप लोग डेल्टा लेमडा के साथ टी लिखते हैं, डेल्टा आप लोग यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि लेमडा को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है टाइम इंटरवल जो कि टी से। अब यहाँ पर आपके पास टी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ टाइम, जो भी आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ टाइम दिया जाएगा वो आपके पास टी है। एक्स आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ़ अक्रेंस इन टी यूनिट्स ऑफ टाइम, जो भी आपके पास नंबर ऑफ अक्रेंस होगा टाइम इन टाइम का वो आपके पास x कहलाएगा, कि कितनी दफ़ा आपके पास ये चीज़ अकर हुई है वो आपके पास x कहलाएगा। उसके बाद है लेमडा, वो है आपके पास एवरेज नंबर ऑफ अक्रेंस पर यूनिट ऑफ टाइम, जो भी आपके पास एवरेज नंबर ऑफ अक्रेंस होगा उसका आपके पास पर यूनिट ऑफ टाइम कहलाएगा आपके पास यहाँ पर लेमडा। अब यहाँ तक आपके पास पॉइजन प्रोसेस की आपके पास इसका इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइजन प्रोसेस से ही इसके रिलेटेड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8.21। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास है एग्जांपल नंबर 8.21 जो कि है पेज नंबर 319 के ऊपर। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है टेलीफोन कॉल्स आर बींग प्लेस थ्रू अ सर्टेन एक्सचेंज एट रेंडम टाइम्स ऑन द एवरेज ऑफ 4 पर मिनट। अब यहाँ पर बात आ गई है एवरेज ऑफ 4 पर मिनट। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आप लोगों के पास जो पॉइजन प्रोसेस का फार्मूला है, जब आपके पास बात आ जाएगी एवरेज नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ पर यूनिट ऑफ टाइम, तो वो जब आपके पास एवरेज ऑफ यूनिट टाइम जब आपके पास आ जाएगा किसी भी टाइम का, ये जैसे कि यहाँ पर मिनट्स हैं, तो किसी भी टाइम का अगर आपके पास एवरेज होगा तो वो आपके पास कहलाएगा लेमडा, और वो है आपके पास 4 पर मिनट है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये आ गया लेमडा इज इक्वल्स टू 4 एज्यूमिंग अ पॉइजन प्रोसेस। अब इन्होंने हमें खुद ही कह दिया कि आप लोगों ने पॉइजन प्रोसेस अप्लाई करना है, और अगर ये आप लोगों को ना बता दे तो आप लोगों को यहाँ से जब आपके पास किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेटमेंट में टाइम इंटरवल हो तो आप लोग अप्लाई करेंगे पॉइजन प्रोसेस। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ 15-second इंटरवल, अब आपके पास यहाँ इंटरवल की बात आ गई है तो अब आप लोगों ने यहाँ पर पॉइजन प्रोसेस ही अप्लाई करना था। देयर आर 4 और मोर कॉल्स,
आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर आपके पास कॉल की इंटरवल आए 15 सेकंड्स का इंटरवल हो और आप लोगों के पास 3 और मोर कॉल्स हो। तो अब हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 8.21 के सलूशन में सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है कि आप लोगों ने पॉइजन प्रोसेस तब आपने इस्तेमाल करना है जब आपके पास रेंडमली लिखा जाए कि आपको एक स्पेसिफाइड इंटरवल दे दिया जाए टाइम का, स्पेस का या लेंथ का। जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन में इंटरवल दे दिया जाए, टाइम, कोई भी स्पेस दे दिया जाए या कोई भी लेंथ जिसमें वॉल्यूम वगैरह सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स इस तरह से कोई बात आ जाए, तब आप लोगों ने अप्लाई करना है पॉइजन प्रोसेस। अब एग्जांपल नंबर 8.21 में इन्होंने कहा हुआ लैम्डा है आपके पास वो चीज़ जो है एवरेज ऑफ 4 पर मिनट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास लैम्डा वो चीज़ आएगी जो भी एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट ऑफ टाइम है। तो पर यूनिट ऑफ टाइम इन्होंने आपको 4 पर मिनट कहा हुआ है और एवरेज है आपके पास 4 की, और टी आपके पास है 15 सेकंड का इंटरवल और आप लोगों ने फाइंड क्या करनी है 3 और मोर कॉल्स की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपके पास है एवरेज ऑफ 4 पर मिनट। अब हमारे पास पर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पर 15 सेकंड्स हैं तो आप लोगों ने मिनट को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा पर मिनट में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स आप लोगों के पास पर मिनट में होते हैं। अब लैम्डा तो है आपके पास 4, लैम्डा आपके पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है टी, तो आप लोगों ने इस 15 को डिवाइड कर देना है 60 के साथ जो कि है पर मिनट। आपके पास जो टी है वो आपके पास लैम्डा से ही निकलता है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 15, ये 15 इस सेकंड्स का और इसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स पे जो कि है 60। अब आप लोग उसको कैलकुलेटर में डिवाइड कर देंगे 15 डिवाइडेड बाय 60 आपके पास आंसर आ गया 0.25। जिनके पास पॉइंट वाला कैलकुलेटर है उनके पास आंसर आएगा 0.25 और जिनके पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है उनके पास आंसर आ जाएगा 1/4। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि आपने यहाँ पर लिखना है पॉइजन प्रोसेस का फार्मूला। तो आप लोग लिखेंगे स्मॉल पी एक्स सेमी कॉलन, आगे आप लोग लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा और टी। डेल्टा की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 4 और टी की वैल्यू आपके पास है 0.25 जैसा कि 1/4। अब आपने यहाँ पर फार्मूला लिखना है जो कि ई माइनस डेल्टा टी, डेल्टा टी की पार एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। तो अब आप लोगों ने क्या करना है डेल्टा और टी को मल्टीप्लाई कर लेना है। आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है डेल्टा की वैल्यू है आपके पास 4 और टी की वैल्यू है आपके पास 0.25, या आप लोग 1/4 लिखें तो यानी कि आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है यहाँ से सिर्फ 1। अब आप लोगों ने डेल्टा टी की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स सेमी कॉलन डेल्टा टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1, ये माइनस और डेल्टा टी का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 1 एंड 1 की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। अब इन्होंने आपको कहा हुआ है कि आपने 3 और मोर कॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और 3 और मोर कॉल्स कहाँ तक ये इन्होंने नहीं बताया हुआ है। जब इन्होंने हमें नहीं पता तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसका आपने रिवर्स कर देना है। अब आपके पास है प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, और आप लोग जब इसका रिवर्स करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने 3 से लेकर कहाँ तक कॉल्स लेकर जानी है, तो आप 1 में से प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ लेस देन 3 कर देंगे और 3 से लेस जितनी भी वैल्यूज़ हैं यानी कि 0 से लेकर 2 तक आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब आपके पास x की वैल्यूज हैं 0, 1 और 2। अब आप लोगों ने इस फार्मूले में क्या करना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इस फार्मूले में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 0 पुट करना है, देन यहाँ 1 पुट करेंगे, देन यहाँ 2 पुट करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करने के बाद आप लोग 1 में से माइनस कर लेंगे और आपके पास प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 का आंसर आ जाएगा। और यही आपके पास एग्जांपल नंबर 8.21 कंप्लीट हो जाएगी। अब ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है कि अब इस फार्मूले में आपने जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस 1 जो कि होता है 0.36781, 1 की पावर 0 आपके पास 1 ही आएगा और 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 ही आता है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.3678। नेक्स्ट भी आपके पास 0.3678 आ जाएगा और नेक्स्ट है आपके पास 2 फैक्टोरियल, तो आप लोग 0.3678 को जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.18393। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9195, और आप जब 1 में से माइनस कर देंगे और आपके पास प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 का आंसर आ जाएगा 0.080। और यहाँ तक आपके पास एग्जांपल नंबर 8.21 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 8.22।
अब नेक्स्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है एग्जांपल नंबर 8.22 जो कि है पेज नंबर 319 के ऊपर। इसकी आपके पास स्टेटमेंट है, फ्लॉज इन आर सर्टेन टाइप ऑफ ड्रेपरी मटेरियल्स अपीयर ऑन द एवरेज ऑफ वन इन 150 स्क्वायर फीट। आपके पास यहाँ पर फ्लॉ दिया गया है सर्टेन टाइप का, जिसमें ड्रेपरी मटेरियल्स। ड्रेपरी मटेरियल्स आपके पास वो मटेरियल्स होते हैं जो आपके पास कर्टन्स वगैरह या फैब्रिक वगैरह के जो भी आपके पास स्टफ होगा, जो भी मटेरियल होगा, उसको हम लोग ड्रेपरी मटेरियल्स कहते हैं। उसकी आपको एवरेज दी गई है 1 in 150 स्क्वायर फीट की। एक आपके पास समझ लें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कर्टन है तो उस एक कर्टन की आपके पास 150 स्क्वायर फीट है। इफ़ वी एज्यूम द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप एज्यूम करते हैं कि आपने इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 flaw in 2 to 5 स्क्वायर फीट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन प्रोसेस से ही निकला है, तो आप इसमें पॉइजन प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको कहा जाएगा तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के कि इसमें आपको इंटरवल्स दिया गया है, इसमें आपको स्पेस और लेंथ दी गई है, तो आपने इसमें अप्लाई करना है पॉइजन प्रोसेस। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी एटमोस्ट 1 flaw। एटमोस्ट का मतलब है 1 x = 1, क्योंकि 1 flaw है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और एटमोस्ट का मतलब है लेस देन और इज इक्वल टू इन 2 to 5 स्क्वायर फीट। तो अब आपके पास यहाँ पर एवरेज ऑफ 1 in 150 स्क्वायर फीट है, तो ये आपके पास आ जाएगा लेमडा, और ये आपके पास आ जाएगा x = 1, ये आपके पास पूरा हो जाएगा लेमडा। तो आपके पास लेमडा, इसका मतलब है लेमडा है आपके पास, लेमडा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से t, यानी कि आपने टाइम निकालना है, तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको लेमडा, जो भी आपको टाइम दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर 2 to 5 है, तो आपने लेमडा में आपने देखना है कि लेमडा में आपका क्या बन रहा है, तो वो है 150। तो आपने 2 to 5 को 150 के साथ डिवाइड करना है, और आपके पास टी निकल आएगा। और नेक्स्ट है आपके पास x < 1, तो ये आपके पास प्रॉबिलिटी आ जाएगी। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इस पूरी सोल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने एग्जाम्पल नंबर 8.22 का सोल्यूशन सॉल्व करना है, तो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है एवरेज ऑफ 1 in 150 स्क्वेयर फीट, या आपके पास आ जाएगा लेमडा, इसका मतलब है कि आपके पास है लेमडा इज इक्वल टू 1, जिसमें आपके पास 150 स्क्वेयर फीट दिया गया है, तो आप टाइम जो आपके पास 2 to 5 है, आप उसको डिवाइड करेंगे 250 के साथ, क्योंकि आपका टाइम प्रोपोर्शनल है लेमडा के ऑपोजिट। तो आपने जो भी आपके पास टाइम दिया गया होगा सेपरेटली, और जो भी आपके पास एवरेज बन रहा होगा लेमडा का, उसको आप लोग यूज़ करेंगे। जैसे पिछले वाले स्टेटमेंट था एवरेज ऑफ 4 per minute, तो पर मिनट में होते हैं हमारे पास 60 seconds, और आप लोगों को दिया गया था टी 15 seconds, तो आपने उस 15 seconds को डिवाइड किया था लेमडा के दिए गए 60 seconds के साथ, तो आपके पास टी आ गया था। अब यहाँ पर आपके पास टी दिया गया है 2 to 5, तो आप इस 2 to 5 को डिवाइड करेंगे 150 के साथ, तो आपके पास टी आ जाएगा। अब आप 2 to 5 को डिवाइड करेंगे 150 के साथ, और आपके पास टी का आंसर आ जाएगा 1.5। अब आपने क्या करना है, कोई इस लैम्डा और टी को मल्टीप्लाई कर देना है, और आपके पास लैम्डा टी का आंसर आ जाएगा 1 × 1.5 = लैम्डा टी का आंसर आपके पास आ जाएगा 1.5। और आप लोगों ने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1 flaw, यानी कि एटमोस्ट का मतलब है लेस देन और इज इक्वल टू, और 1 flaw का मतलब है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी x < 1 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। x < 1 का मतलब है कि 0 और 1, 1 से छोटा और 1 के इक्वल, तो वो है 0 और 1। आपने यहाँ पर अप्लाई करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, या पॉइजन प्रोसेस का फार्मूला, वो है आपके पास e - λ λ t की पार x/x। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी 0 और 1 प्लस x = 1, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर सबसे पहले आप 0 पुट करेंगे, उसके बाद 1 पुट करेंगे, और डेल्टा लेमडा और t की वैल्यू है आपके पास 1.5, आप लोग वो भी पुट कर देंगे। प्रॉबिलिटी x < x < 1 = e की पार माइनस लेमडा t का आपके पास आंसर है 1.5 - 1.5 की पार x / x। अब आप जब यहाँ पर पुट करेंगे 0 और 1, तो आपके पास आ जाएगा e की पार -1.5 and 1.5 की पार 0 / 0 प्लस e की पार -1.5 की पार 1 / 1। अब आप लोग कैलकुलेटर पर e की पार -1.5 निकाल लेंगे,
और आपके पास e की पावर माइनस 1.5 का आंसर आ जाएगा 0.223130। इसको आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, आप लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1.5 का आंसर है 0.2230। प्लस नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 0.2230 को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 1.5 के साथ और डिवाइड कर देंगे 1 लैम्डा के साथ और आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों आंसर को आप लोग ऐड कर देंगे और आपके पास प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इज इक्वल टू 1 का आंसर आ जाएगा और ये एग्जांपल भी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये पूरी एग्जांपल कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपके पास e की पावर माइनस 1.5 का आपके पास आंसर निकला था कैलकुलेटर में 0.2230 और आपने फर्स्ट में जीरो के लिए लिख लिया। अब नेक्स्ट में आपने जब 0.223130 को मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3348। दोनों को ऐड किया और आपके पास प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1 फ्लॉ का आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5578। और यहाँ तक आपके पास एग्जांपल नंबर 8.22 भी कंप्लीट हो गई है और आज का हमारा टॉपिक पॉइजन प्रोसेस और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमारी यहाँ तक कंप्लीट होगी और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।